कटनी के विजय राघवगढ़ विधानसभा में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर डीजल पेट्रोल गैस के दामों पर बढ़ोतरी एवं किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, धरने पर बैठे कांग्रेसी जनों ने भाजपा केंद्र व मध्य प्रदेश सरकार की गलत नीतियों, किसान विरोधी काले कानून, डीजल पेट्रोल एवं रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी एवं अदानी अम्बानी के दलाली के विरोध में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद महामहिम राज्यपाल के नाम कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जय जवान, जय जवान, जय जवान, आदरणीय हमारे राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जी को मैं सादर नमन करते हुए मैं इस किसान आंदोलन के दौरान 22 किसानों की मौत पर मैं उन्हें सच सच नमन करता हूँ और यहाँ पर बैठी हुई समस्त व्यक्तियों को यहाँ पर आसपास जो हमें देख रहे हैं उन सभी व्यक्तियों से भी कहना चाहूंगा, यह भी किसान है हमारे देश का एक एक आदमी, चाहे बिजनेस से जुड़ा हो, चाहे किसी भी धर्म से, किसी जाति से, किसी पंथ से जुड़ा हो, हर व्यक्ति पहले किसान है। आप चाहे दूसरे की खेती करते हो, अपने घर की करते हो या किसी अन्य के लोगों के लिए करते हो, आप सब किसान हैं। हमारा हिंदुस्तान ऐसे ही नहीं जय जवान जय किसान का नारा लगाता है। इस पर मैं दो शब्द कहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान में अमेरिका से माइलों मंगाया जाता था लाल चावल, आप सभी को मालूम है, मेरे से बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हैं, माइलों मंगाया जाता था। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे यहां पर रक्षा मंत्री थे, उन्होंने जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुआ, पाकिस्तान ने दबाव बनाया अमेरिका पर कि इनके चावल बंद कर दिए जाए, तब हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ने एक लाइन में कहा था कि जय जवान जय किसान, हमारा जवान पाकिस्तान पर अड़ा रहेगा और हमारे देश का एक एक किसान हम लोगों को पेट भरने का काम करेगा। और मैं बहुत कम शब्दों के साथ उन किसानों के लिए कहना चाहूंगा कि न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, अरे ये मोदी डराते हैं हम किसानों को, पानी की बौछार से शर्म आनी चाहिए। यहाँ तो तुम जैसों को कितनों को पैदा करके कितनों को मिट्टी में मिला दिया गया किसानों द्वारा और आप इनको पानी की बौछार से डरा रहे हैं। लेकिन एक बात में और शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको कि 22 लोग दिल्ली की बॉर्डर में बैठकर खत्म हो जाते हैं, आप जाकर किसी के हीरोइन के यहाँ पर केक काटते हैं, ये आपका सोच है, आपकी किरदार है, आप अडानी अम्बानी के घर में बैठकर नाश्ता करते हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूँ बस इन दो लाइनों के साथ मैं किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, ये कैचिया खाक हमें रोकेगी, ये कैचिया खाक हमें रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।